जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आप ही के अपने YouTube परिवार में। और दोस्तों, आज के इस नई वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ITPS कांस्टेबल ड्राइवर का जॉब प्रोफाइल क्या होता है, इसी के साथ साथ आपको छुट्टी कितना दिया जाता है, आपका सैलरी, आपका प्रमोशन कब आता है, आपका ड्यूटी कहाँ पर होता है, आपका ड्यूटी कैसे होता है, कितने घंटे का होता है, और आपको बाहर विदेश में भी मौका मिलेगा वो कैसे मिलता है, और आपका फर्दर फ्यूचर क्या होता है, आपकी फैसिलिटीज़ आपको क्या क्या मिलेगी, पूरी जानकारी दोस्तों आपके जितने भी डाउट ITPS कांस्टेबल ड्राइवर के लेकर के मन में है, आपके डाउट आज इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और नंबर एक पॉइंट जो कि आपको बता दूं, आपका ड्यूटी कहां पर होता है और आपका कितने घंटे का ड्यूटी होता है और आपको क्या ड्यूटी करनी पड़ती है, वो सारी जानकारी इस पॉइंट में कवर करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आपका जो ड्यूटी का टाइम होता है वो या तो कोई फिक्स समय इसको नहीं बोल सकते, क्योंकि जब कभी भी आपको गाड़ी लेके जाना होता है, जब कभी रिक्वायरमेंट आता है, आपको VIP के साथ भी जाना पड़ सकता है या अदर जैसे भी कोई जनरल ड्यूटी है वो भी आपको करनी पड़ेगी। तो आपको जो भी गाड़ी दी जाती है दोस्तों, वो आपको अगर ड्यूटी दो किस्म की होती है, या तो आपको लोकल अगर गाड़ी ले जानी होगी तो तीन से चार पाँच घंटे में आप रिटर्न आ सकते हो। अगर आपको लंबी दूरी के लिए अगर गाड़ी ले जानी होगी तो उसमें आपको समय लग सकता है, जैसे 100-200 किलोमीटर जाना है तो आपको लगभग मान के चलिए कि 2 से 4 घंटा 5-6 घंटा या आपका समय लगता है जितना आपको लगेगा। उसके बाद आपको रेस्ट दिया जाएगा, फिर आपको अगले दिन ड्यूटी दिया जाएगा। तो ड्यूटी का आपको कोई टेंशन नहीं है। अब दोस्तों, ठिकान की बात करें कि आपका ड्यूटी का जो ठिकान होता है, आपका जो पैलेस होगा वो कहाँ पे होगा, तो ड्यूटी का देखिए दोस्तों, आपका दो जगह का ड्यूटी होता है मोस्टली। आपका एक तो होगा सॉफ्ट एरिया का और एक हार्डली जो होता है, जैसे कि आपका बॉर्डर एरिया होता है वहाँ का ड्यूटी होता है। तो दोनों में से आपको जहाँ पर भी पोस्टिंग मिलता है वो जगह आपका ड्यूटी का होगा। आपका जो ट्रांसफ़र है वो भी आपका रोटेशनल होता है, 2 से 3 साल में आपका ट्रांसफ़र हो जाता है। दोस्तों बात करते हैं कि यहाँ पर कई सारे कैंडिडेट का डाउट रहता है कि सर हमको वेपन मिलेगा कि नहीं। देखिए, अब आप जब ITPS कांस्टेबल में ड्राइवर में भर्ती हो गया होगी तो आपको वेपन भी मिलेगा और आप सालाना फायर भी करोगे वेपन का जो होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ गाड़ी कौन कौन सी आपको चलानी मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ये भी पूछते हैं कि सर गाड़ी कौन सा मिलेगा। देखिए, आपको गाड़ी मोटरसाइकिल से लेकर हैवी व्हीकल तक जितनी भी गाड़ी आता है सब आपको VIP गाड़ी से लेकर हर चीज़ आपको चलाने का मौका ITPS कांस्टेबल ड्राइवर में मिलेगा। तो आपको वो चिंता नहीं करनी है, आपका बहुत अच्छा ड्यूटी है और बहुत अच्छा आपका यहाँ पर जॉब प्रोफाइल होने वाला है। अब दोस्तों, नेक्स्ट जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है दोस्तों सैलरी का। तो आपका सैलरी कितना बनता है वो पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर आफ्टर ट्रेनिंग जब आप ज्वाइन करते हो तो आपका जो सैलरी है, जो अभी जो नए लड़के जो भर्ती होके आए हैं उनकी बात करें तो लगभग 38 से 40 हज़ार आपका सैलरी बनता है। जैसे कि 21,700 आपका बेसिक है, 21,700 बेसिक के ऊपर आपका TA DA बाकी जो अलाउंसेस है वो जुड़ने के बाद आपका अच्छा खासा सैलरी यहाँ पर बन जाता है। बाकी अदर भी अलाउंसेस, जैसे अगर आप हिल एरिया में ड्यूटी करते हो तो आपका वहाँ पर अलग से अलाउंस मिलता है, तो सैलरी आपका बहुत अच्छा बनेगा। और दोस्तों, इसी के साथ साथ बताना चाहूँगा, आप 1.5 से 2 लाख सैलरी भी आपको मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, जब आप बाहर कंट्री के लिए आपको विदेश यात्रा का, विदेश जाने का भी मौका मिलेगा, जिसमें आपको UN मिशन का सेवा करने का मौका मिलेगा, उसका कोई एक नॉर्मल सा टेस्ट होता है, अगर आप वो पास कर जाते हो तो आपको बाहर विदेश में भी रहने का मौका मिलेगा, जिसमें आपको अच्छा खासा सैलरी, जो वहाँ का सैलरी है वो आपका इंडियन करेंसी में अगर कैलकुलेशन करोगे तो 1.5 से 2 लाख आपका सैलरी आराम से बन जाता है। तो दोस्तों, वो टेन्योर 2 से 3 साल 1 साल का भी हो सकता है और आपको एक छोटे से 2-3 से टेस्ट होते हैं वो आपको क्वालिफाई करने होते हैं। बात करेंगे दोस्तों आपका छुट्टी का, आपको छुट्टी कितना मिलता है, तो ITPS ड्राइवर कांस्टेबल को उतना ही छुट्टी मिलता है जितना एक GD के जवान को, एक ट्रेड्समैन को मिलता है। आपका 2 महीने का EL होता है और 15 दिन का CL होता है, जिसको कैजुअल लीव बोला जाता है, जिसमें आपको संडे GH RH जितने होते हैं वो आपको अलग से दिया जाएगा। तो छुट्टी का भी कोई दिक्कत नहीं है, छुट्टी आपको समय पर मिल जाएगा जब आपको ज़रूरत होगी। अब बात करते हैं दोस्तों, ट्रांसफ़र आपका कितने साल में आता है और कौन कौन सी जगह पर आता है। तो ट्रांसफ़र देखिए, आपका मोस्टली 2 जगह पर आता है, एक होता है सॉफ्ट एरिया और एक होता है हार्ड एरिया। तो आप जैसे सॉफ्ट एरिया काट लोगे 2 से 3 साल का, उसके बाद आपका ऑटोमेटिकली हार्ड एरिया में आ जाएगा 2 से 3 साल के लिए, फिर आपका रोटेशनल ट्रांसफ़र सॉफ्ट टू हार्ड, हार्ड टू सॉफ्ट, ऐसे होते रहता है, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी है। अब प्रमोशन आपका कब होता है, देखिए आपका फर्स्ट प्रमोशन जब आप कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती होगे तो आपका लगभग 10 से 15 साल में हेड कांस्टेबल प्रमोशन
प्रमोशन आ जाता है। तो प्रमोशन की बात करें तो ITBP और SSB में सबसे फास्ट प्रमोशन आज के डेट में हो रहे हैं, तो आपको प्रमोशन भी बहुत जल्दी इसमें देखने को मिलेगा। और अगर आप में आगे बढ़ने का हुनर है, आप पढ़ना चाहते हो, ग्रेजुएशन कर रखिए, तो आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप अच्छी पोस्ट पर, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर भी जा सकते हो, तो आपको पढ़ाई जारी रखनी है। दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर फैमिली, क्या आप रख सकते हो क्या? देखिए दोस्तों, अगर आप जैसे अच्छे एरिया में, सॉफ्ट एरिया, कोई अच्छी लोकेशन में हो, तो आप वहाँ पर बिल्कुल फैमिली साथ में रख सकते हो। वहाँ पर आपको क्वार्टर भी मिलेगा जो गवर्नमेंट क्वार्टर होता है, तो आपको पूरा फैसिलिटी, बच्चों से स्कूल से लेकर हर चीज़ आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब टोटल जो फैसिलिटी की बात करेगी, ITBP कांस्टेबल ड्राइवर को कितनी फैसिलिटीज यहाँ पर दी जाती है, तो जितना एक GD के जवान को या अदर जितने भी रैंक है उसके बराबर फैसिलिटी आपको मिलेगी। छुट्टी से लेकर हर चीज़ की सुविधा, CPC कैंटीन, लिकर कैंटीन, ग्रेन शॉप्स, अदर भी मेडिकल फैसिलिटी जो कि जिसमें आपका कैशलेस जो भी फैमिली का ट्रीटमेंट होगा वो कैशलेस किया जाएगा, और अदर भी कई सारी सुविधाएँ आपको ITBP ड्राइवर को देखने को मिलेगी। जब आप ज्वाइन करोगे तो पूरी फैसिलिटी आपको हर चीज़ यहाँ पर मिलेगी। जैसे आप बाय एयर यात्रा करते हो तो उसको भी आपको कंसेशन मिलेगा, कोई भी यात्रा करते हो उसका आपको पैसा जो है मिल जाता है। तो बहुत सारी फैसिलिटी आपको इसमें मिलती है, आपको चिल्ड्रन अलाउंस भी मिलेगा, बच्चों को पढ़ाई का भी पैसा यहाँ पर मिलता है। तो यानी कुल मिला के देखा जाए तो बहुत फैसिलिटी आपको मिलेगी। अब बात करते हैं दोस्तों फ्यूचर आपका कैसे होगा। जब आप ITBP ड्राइवर भर्ती होगी तो आपका फर्दर फ्यूचर की बात करें तो बहुत अच्छा ब्राइट फ्यूचर आपका है। अगर आपने ग्रेजुएशन की है, अगर आप पढ़ना चाहते हो, तो आगे भी आपको बहुत मौका मिलेगा पढ़ने का, और आपका जो परिवार है दोस्तों एक खुशहाल जिंदगी आपका जिएगा जब आप भर्ती होकर आओगे और ITBP ज्वाइन करोगे। तो बहुत अच्छा जॉब प्रोफाइल है। अब बात करेंगे दोस्तों वर्दी, जिस वर्दी के लिए आप लोग, हम सभी आपको मतलब शुभकामनाएं देते हैं उस वर्दी के लिए जो आप पाना चाहते हो, और कौन कौन सी वर्दी आपको मिलेगी। तो देखिए दो टाइप का वर्दी मोस्टली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि एक होता है आपका खाकी वर्दी जिसको सेरेमोनियल ड्रेस बोला जाता है, और एक होता है आपका कॉम्बैट वर्दी जिसको चितकबरा वर्दी बोला जाता है, या ड्यूटी का जो भी टाइम या जो भी आपका होगा उस समय आपको वैसी वर्दी पहननी होती है। तो दो टाइप की मोस्टली वर्दी आपकी होती है, खाकी और चितकबरा। बाकी जो भी डाउट्स होंगे मैंने लगभग सभी कवर करने का कोशिश किया है। अगर कोई डाउट छूट जाता है, कोई आपके मन में डाउट है, तो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने का। और ITBP कांस्टेबल का जो जॉब प्रोफाइल होता है वो पूरा मैंने कवर किया, जितने भी पॉइंट थे सब कवर करने की कोशिश की है। जो भी अगर कोई पॉइंट छूटा हो तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो। और वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे ही ऑथेंटिक रियल जानकारी, भर्ती रिलेटेड जानकारी आपको मैं देते रहता हूं। तो दोस्तों तब तक के लिए दीजिए आपके फौजी भाई को इजाजत, मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।